लोगों को ट्रेस राइटिंग सिखाऊंगी, के टू ओ। इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ ए टू जे, जो आप लोग इससे पहले सीख चुके हैं। आज मैं आप लोगों को के एल एम एन ओ सिखाऊंगी। आप लोग अपने मम्मी को बोलेंगे, उसी तरह से कॉपी में डॉट देगी, फिर आप लोगों को ट्रेस करना है इस तरह से। पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन, एक बार फिर स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, टू स्लैंटिंग लाइन। इसके बाद क्या है बच्चों, एल, एल में स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन। एल के बाद बच्चों एम, एम फॉर माउथ, स्टैंडिंग लाइन डालना है, फिर सारे डॉट्स को मिलाते हुए स्लैंटिंग लाइन, फिर से स्लैंटिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। अब बच्चों एंड, एंड बनाना सीखते हैं। स्टैंडिंग लाइन, वन स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। आप लोगों को भी इस तरह से सारे डॉट्स को मिलाते हुए लाइनिंग खींचना है। ओके बच्चों, स्टैंडिंग लाइन, सारे डॉट्स को मिलाते हुए, फिर सारे डॉट्स को मिलाते हुए स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ये क्या है बच्चों, ओ, ओ फॉर ऑरेंज। ओ को सारे डॉट्स को मिलाते हुए सर्कल बनाना है। क्या करना है बच्चों, इसमें सर्कल बनाना है, सारे डॉट्स को मिलाते हुए इस तरह से हम सर्कल बनाएंगे। बच्चों आज मैंने फिर ये फाइव लेटर्स बनाना सीख लिया। ओके बच्चों, आप लोग भी के एल एम एन ओ घर में इसी तरह से बनाएंगे और एक अच्छा सा पिक लेके अपने ग्रुप में सेंड कर देंगे। इसे मैं चेक करूंगी। यही आज का होमवर्क रहा। बाय।